अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब, आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आपके पास हाज़िर हुआ हूं कि जिसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आज मैं सबसे पहले ये नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आज मैं ये ज़रूर कहूंगा कि इसको शेयर ज़्यादा करो ताकि ये वीडियो आला हकाम तक पहुँचे और जो लोग उधर तफ्तान बॉर्डर पे फंसे हुए हैं उनकी मदद हो सके, हो सकता है उनकी हेल्प हो जाए। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आपके पास फेसबुक पे ग्रुप हैं, अगर आप व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं, तो हर ग्रुप में इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है हमारे एक शेयर से किसी का भला हो जाए। तो आज मेरा गला भी ख़राब था, तो इसलिए फिर भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो जनाब, सबसे पहले बात ये करेंगे कि जब ईरान एम्बेसी में ने वीज़ा दिया है पाकिस्तानियों को, ज़ायरीन को ईरान में दाखिल होने का इजाज़त दी है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी उधर से ओके किया है इनको। तो इधर तफ्तान बॉर्डर पे ये कौन होते हैं इनको रोकने वाले? रोका भी इस तरह हुआ है कि जिस तरह कोई हाकी नहीं बनता। ये पहले भी मैं इन पे एक वीडियो बना चुका हूँ, वो अभी मसला थोड़ा हल हुआ है। पहले ये हर ज़ायरीन से 3,000 रुपया लेके एंट्री देते थे, तो अभी इन्होंने जो उधर बिठाया हुआ है औरतों को, इन्होंने एंट्री दे दी है। औरतें उधर ईरान की तरफ जाके बैठी हुई हैं और मर्दों को 3 दिन हो गए हैं वो इधर पाकिस्तान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो औरतों के पास कोई पैसा नहीं है, बच्चे उधर दूध से भूखे बैठे हुए हैं, औरतें भूखी बैठी हुई हैं उधर, बिलख रहे हैं और मर्द इधर जलील हो रहे हैं। अगर ये मर्द इमिग्रेशन के दफ्तर की तरफ जाते हैं तो एफसी के शेर जवान, एफसी के जो कमांडो, जो एफसी के एहलकार हैं, वो इन पर लाठी चार्ज करते हैं। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि इनको रोका किस बिना पे है, लाठी चार्ज क्यों कर रहे हैं? ये दहशतगर्द हैं, इनके पास कोई चीज़ बरामद हुई है, किस वजह से इनको रोका गया है, कोई इशू सामने लाया जाए। 3 दिन हो गए इनको उधर रोके हुए, औरतें उधर भूखी बैठी हैं, सड़क पे सो रही हैं उधर, कोई उधर उन्होंने एंट्री दी है ईरान वालों ने, उधर बॉर्डर से बाहर जो फुटपाथ सड़क है उधर सड़क पे वो सो रही हैं। उन बच्चों का क्या गुनाह है, उन औरतों का क्या गुनाह है? तो इन ज़ायरीन को क्यों नहीं एंट्री दी जा रही, ये मेरा सवाल है। इनके पास क्या चीज़ बरामद हुई है या क्या मसला है? कोई ना कोई आप कोई इशू तो दें, वैसे ही इनको एंट्री नहीं दे रहे हैं। अगर माइग्रेशन के दफ्तर जा रहे हैं तो उधर जाने से आप लाठी चार्ज करते हैं। तो बराए मेहरबानी, जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह काम तक पहुँचाए इन जो तफ्तान बॉर्डर पे जो एफसी के एहलकार बैठे हुए हैं, इनका चेहरा बेनकाब किया जाए। पहले इन्होंने पैसे लेना शुरू किए थे, अभी वो थोड़ा हटे हैं, तो अभी इन्होंने एंट्री बंद कर दी है, जलील कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या ये लोग, जिनको थोड़ी सी पोस्ट मिल जाती है वो अपने आप को क्या समझ के बैठ जाता है। तो आज की इतनी इंफॉर्मेशन थी, मेरी इंफॉर्मेशन तो नहीं थी, ये वीडियो थी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अल्लाह काम तक पहुँचाएँ। बराए मेहरबानी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, और उन ज़ायरीन के लिए भी दुआ कीजिएगा जो उधर फंसे हुए हैं। तो उनकी हेल्प यही हो सकती है, आपके पास अगर कोई फेसबुक ग्रुप है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, किसी हर ग्रुप में इसको शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, हो सकता है आपके शेयर करने की वजह से किसी की मदद हो सके। तो फीमा अल्लाह, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।